देखो क्वेश्चन है जेई मेन 2004 का, क्वेश्चन कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो क्वेश्चन है जेई मेन 2004 का, क्वेश्चन कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो इज 4, व्हाइल द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज। देखो क्यू आपसे पूछ रहा है, ये कह रहा है ये जो 4 है ये इसका रूट है, रूट है इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करना होगा इक्वल टू जीरो के बराबर, इसका मतलब 16 प्लस 4p प्लस 12, एक्स इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट कर दे, यहाँ से पी निकाल दो तो पी इक्वल टू कितना आ गया 16 12 28 माइनस 28 बटा 4 इज इक्वल टू माइनस 7, पी हमने निकाल दिया। अब देखो इसका कह रहा है इक्वल रूट, इक्वल रूट का कंडीशन इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4q इज इक्वल टू जीरो, आपके पास पी ऑलरेडी आ चुका है इसका मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो तो 49 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्यू, यही आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, जैसे जैसे कंडीशन दे रखा था वैसे वैसे मैंने उसको अप्रोच किया, कह रहा था 4 इसका रूट है, इसका मतलब जब 4 इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में वो 0 के बराबर आएगा, यहाँ से पी वेरिएबल मिल गया। फिर इसका कहता है इक्वल रूट से, इक्वल रूट से मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर किया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4q, हमारे पास पी पता था यहाँ से पी सब्सटीट्यूट कर दिया 49/4 आ गया, फाइनली ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह बहुत आसान सवाल था।